बॉलीवुड एक्ट्रेस सोरा भास्कर फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अभिनेत्री अक्सर किसी न किसी बयान को लेकर लाइमलाइट में आ ही जाती हैं। सोरा भास्कर ने साल 2023 के फरवरी महीने में समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी रचाई थी। सोरा की शादी के बाद लोगों ने उन्हें शादी की भर भर कर शुभकामनाएं दी, लेकिन बाद दूसरी तरफ एक्ट्रेस को ट्रोल करने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई। अब इसके बाद एक बार फिर सोरा को लेकर एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। शादी के लगभग 4 महीने बाद अब एक्ट्रेस को लेकर एक खबर चल रही है कि सोरा भास्कर प्रेग्नेंट थी और उन्हें लड़के को जन्म दिया है। तो चलिए हम सोशल मीडिया पर चल रही इस खबरों की सच्चाई आपको बताते हैं। दरअसल ट्विटर पर News24 के नाम से एक कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि सोरा भास्कर के पति ने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी की खबर को कंफर्म किया है और वह जुलाई महीने में मां बन सकती है। वही दूसरी तरफ अयोध्या के महंत राजू दास ने भी सोरा की डिलीवरी को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। News24 के कथित ट्वीट के स्क्रीनशॉट में कहा गया है कि सोरा भास्कर हुई प्रेग्नेंट, शोहर फहद अहमद ने किया कंफर्म, जुलाई में हो सकती है डिलीवरी। इस मशहूर हीरोइन ने फरवरी महीने में ही की थी अपने से 8 साल छोटे फहद से निकाह। अब इस कथित ट्वीट के स्क्रीनशॉट को News24 के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर कर इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये न्यूज फेक है और News24 ने ऐसी कोई खबर नहीं लिखी है। News24 ने ट्वीट करते हुए लिखा, फेक अलर्ट, एक्टर सोरा भास्कर से संबंधित फेक ट्विटर सोशल मीडिया पर News24 के नाम से शेयर हो रहा है, ये पूरी तरह से फेक है, ऐसा कोई ट्वीट News24 ने नहीं किया है।